बिसमीम एंड अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू ए जे के टेक्स बुक बोर्ड मैं महूस जानवर और आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर ग्रेड सिक्स में चैप्टर नंबर सिक्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जी स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे स्क्रैच प्रोग्रामिंग विद बेसिक कोडिंग ब्लॉक्स स्क्रैच प्रोग्रामिंग विद अ बेसिक कोडिंग ब्लॉक्स इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स इन स्क्रैच स्क्रैच में मुख्तलिफ तरह के ब्लॉक्स जो हम यूज़ करेंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे

स्केच में हमारे इमेज जो हैं उनके लिए जो ब्लॉक्स यूज़ हो रहे हैं उन्हें इमेट ब्लॉक्स कहते हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे दीज येलो कलर्ड ब्लॉक्स हैव अ स्पेशल शेप ये येलो कलर के जो ब्लॉक्स हैं इनकी स्पेशल शेप है विद अ बम्प एट द टॉप बिल्कुल टॉप से ये बिल्कुल बम्प कर रहे हैं ऊपर से एक कर्व है दीज ब्लॉक्स आर स्टार्टिंग ब्लॉक्स दे मस्ट गो एट द टॉप ऑफ एनी पीस ऑफ कोड वी क्रिएट जब भी हम कोई भी कोड क्रिएट करेंगे तो ये जो कोर्स हमें दिए गए हैं ये उनके बिल्कुल टॉप पे हम यूज करेंगे टेल टेलर्स वेन द कोड विल रन ये हमें गाइड करते हैं बताते हैं कि हमारा कोड जो है वो कब रन करेगा फर्स्टली हाउ इट वर्क हम पढ़ेंगे अब कि ये काम कैसे करते हैं रन द कोड वन द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक वेन द प्रोग्राम बिगेंस जब भी प्रोग्राम शुरू होगा हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ दिस ब्लॉक ज़्यादातर हम इसी ब्लॉक को यूज़ करते हैं किसी भी कोड के स्टार्ट में ताकि हमारा जो भी प्रोग्राम है वो रन कर सके ईजीली हाउ इट वर्क सेकेंड ब्लॉक जो हमें दिया हुआ है ये कैसे काम करता है रन द कोड वेन अ की इज़ प्रेस्ड जब भी कोई की प्रेस की जाएगी उस टाइम हमारा सेकेंड वाला जो ब्लॉक है वो रन करेगा यूज़ द ड्रॉप डाउन मेन्यू टू चूज विच की यू वॉन्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम यूज़ कर चूज करेंगे कि कौन सी की हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो स्प्राइट है वो या हमारा प्रोग्राम है जो वो रन करेगा द थर्ड ब्लॉक जिसमें दिया हुआ है वन द स्प्राइट क्लिक ये कब हमारा यूज़ होगा रन द कोड वन द स्प्राइट इज़ क्लिक जब भी हम स्प्राइट पे क्लिक करेंगे तो ये कोड हमारा रन करेगा सेकेंड है हमारा स्क्रैच मोशंस ब्लॉक्स अब स्क्रैच में किसी भी मोशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कैसे दिखाया जाएगा उसके लिए डिफरेंट ब्लॉक्स यूज किए जा रहे हैं उनको उनका कलर है ब्लू ब्लू कलर में जो भी हमारे ब्लॉक्स हैं वो मोशंस को कंट्रोल करेंगे दीज ब्लू कलर ब्लॉक्स अलाउ स्प्राइट टू मूव रोटेट एंड क्लिड जो भी हमारे मोशन के ब्लॉक्स हैं वो कंट्रोल करेंगे स्प्राइट की मूवमेंट को कि तो वो मूव कैसे कर रहा है रोटेट कैसे कर रहा है और ग्लिड कैसे कर रहा है फर्स्ट है हमारा मूव टेन स्टेप्स पहले वाला ब्लॉक है मूव टेन स्टेप्स इट्स कलर इज़ ब्लू अब ये कैसे काम करेगा दिस ब्लॉक अलाउस यू टू मूव योर स्प्राइट ये ब्लॉक्स अलाउ करते हैं कि हमारा स्प्राइट जो है कैसे मूव करेगा इट विल मूव द डायरेक्शन योर स्प्राइट इज फेसिंग ये डायरेक्शन को शो कराएगा कि आपका स्प्राइट किस डायरेक्शन को कितने स्टेप्स जो है मूव करा रहा है चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ हमारी फर्स्ट जो आपका ब्लॉक दिया गया है वो है टर्न टर्न राइट टू 50 डिग्रीज और टर्न लेफ्ट टू फिफ्टी डिग्रीज हाउ इट वर्कस ये काम कैसे करेगा these blocks allows you to rotate your sprite to the right or to the left hamara sprite jo hai left side pe rotate kar raha hai ya right side pe theek hai hamara jo sprite hai left side pe kaise rotate kar raha hai aur right side pe हमने उसको जितना rotate करना होगा ये जो आपकी counting जहाँ शो हो रही है वहाँ आपने उतने numbers लिख देने हैं लाइक यहाँ 15 लिखा हुआ है अगर आप चाहते हैं कि आपका स्प्राइट जो है टेन डिग्री मूव करे तो आप उसको सेट करेंगे तो आपका जो भी स्प्राइट होगा वो टेन डिग्री पे रोटेट कर जाएगा लेफ्ट पे और राइट right पे धैन नेक्स्ट ब्लॉक आपको दिया हुआ है गो टू रेंडम पोजिशन रेंडम पोजिशंस में यहाँ हमारे एक्स वाई एक्सिस यूज होंगे अब ये वाले ब्लॉग्स हमारे कैसे यूज होंगे हाउ इट वॉज दिस ब्लॉक लेट्स योर स्प्राइट कि आपके स्प्राइट को जंप कराने के लिए ये यूज होंगे यू कैन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू टू सी द डिफरेंट ऑप्शन हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिफरेंट ऑप्शन को देखेंगे अगर हमने कोई और इसमें ऐड करना है नेक्स्ट हमारा है गो टू रेंडम पोजिशन यहाँ हम करेंगे गो टू एक्सिस वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ये कैसे काम करेगा दिस ब्लॉक अलाउस योर स्प्राइड टू स्मूथली ग्लिड योर स्क्रीन टू अ पोजिशन ऑफ योर चूजिंग आपने कोई भी पोजिशन चूज़ की होगी उस पर कैसे वो ग्लेट कर रहा है हम इस वाली ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए अपना जो स्प्राइट है उसको मूव कराएंगे देन है आपका डायरेक्शन डायरेक्शन भी उसकी होगी कि आपका स्प्राइट जो है वो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए वो भी हमने सेट करनी है उसके लिए हमारा ब्लॉक यूज होगा पोजिशन इन डायरेक्शन यहाँ 90 उन्होंने सेट किया हुआ है आप 90 की जगह कोई भी डिग्री सेट कर सकते हैं और पॉइंट टू वर्ड्स इसमें आपका पॉइंट टू वर्ड्स वाला भी ब्लॉक यूज हो सकता है जिसमें आपने माउस पॉइंटर को यूज करना है हाउ इट वर्क्स दिस ब्लॉक्स अलाउज यू टू एडजस्ट द डायरेक्शन दैट योर स्प्राइट इज फेसिंग इसमें आपका ब्लॉक क्या सेट कर रहा है क्या शो कर रहा है कि आप किस स्प्राइट किस साइड पे मूव कर रही है किस डायरेक्शन में जा रही है अब हम क्या करेंगे ट्राई करेंगे कि जो भी हमारे मोशन ब्लॉक्स हैं वो इमेंट ब्लॉक के साथ अटैच हों नेक्स्ट हमारा है लुक्स ब्लॉक्स कि आपका जो स्प्राइट है वो कैसा दिखना चाहिए दीज पर्पल कलर्ड ब्लॉक्स चेंज द अपेरेंस ऑफ योर स्प्राइट हमारा जो भी स्प्राइट है उसकी अपेयरेंस चेंज करने के लिए हम पर्पल कलर्ड ब्लॉक्स को यूज करेंगे दीज आर लुक्स ब्लॉक द फर्स्ट आपको दिया हुआ है चेन साइज बाय जो भी आपका स्प्राइट है उसका साइज कैसे चेंज करेंगे सेट साइज टू हंड्रेड परसेंट आप वहाँ हंड्रेड परसेंट दिया हुआ है आप उसको नीचे भी ला सकते हैं लाइक like 100 है तो वहाँ आप 90 भी सेट कर सकते हैं 80 भी कर सकते हैं अगर आप उसको ज़्यादा बड़ा दिखाना दिखाना चाहते हैं तो आप उसको 100 से अबव भी शो करा सकते हैं अब हम पढ़ेंगे ये वर्क कैसे करता है दिस ब्लॉक्स चेंज द साइज ऑफ योर स्प्राइट आप के स्प्राइट का साइज चेंज करने के लिए ये ब्लॉक यूज होगा नेक्स्ट ब्लॉक आपको दिया हुआ है चेंज कलर चेंज कलर करेगा इफेक्ट बाय कि कितने नंबर्स उस कलर के आपके चूज होने चाहिए सेलेक्ट होने चाहिए आपको ब्लॉक दिया हुआ है चेंज कलर इफेक्ट बाय 25 25 दिया हुआ है आप इसको चेंज कर सकते हैं ये वेरिएबल्स हैं आप इसमें कोई भी चेंजिंग ला सकते हैं सेकंड ब्लॉक इसमें दिया हुआ है सेट कलर और इफेक्ट ज़ीरो नीचे जहां आपका कलर दिया वहां से आप कलर सेलेक्ट करेंगे और इफेक्ट टू में जीरो की जगह आप कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं आपको उस कलर का कौन सा शेड चाहिए होगा नेक्स्ट हमारा है कि हम पढ़ेंगे अब कि ये ब्लॉक्स जो हैं काम कैसे कर रहे हैं दीज ब्लॉग्स विल चेंज द कलर ऑफ योर स्प्राइट ये ब्लॉग्स आपकी स्प्राइट का कलर चेंज करेंगे यूज द ड्रॉप डाउन मेन्यू टू सी अदर इफेक्ट्स हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में से दूसरे इफेक्ट्स को भी सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट हमें दिया हुआ है से अब हमारा स्प्राइट जो है से गएगा से में हेलो कह सकते हैं कोई भी आप कोई भी सेंटेंस आप चाहते हैं कि आपका स्प्राइट बोले तो आप उसमें ये सेट कर सकते हैं फोर टू फोर टू सेकेंड्स फोर टू सेकेंड्स के लिए साथ आप टाइमिंग भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं से हेलो से थैंक यू और आपने कुछ भी उसके उससे आप चाहते हैं कि आपका स्प्राइट कुछ भी बोले कितने सेकेंड्स के लिए आप ये वाले ब्लॉग्स यूज़ करेंगे और ब्लॉग्स को यूज़ करते हुए आपने अपने स्प्राइट से कुछ भी कहलवाना है आप थ्रू द सेंटेंसेज यूज सेंटेंस करेंगे कोई भी वर्ड यूज़ करेंगे फॉर टू सेकेंड्स तो वो टू सेकेंड्स के लिए बोलेगा अगर आप टाइम सेट नहीं करते हैं तो वो सिर्फ एक सेकेंड के थोड़ी सी देर के लिए बोलेगा एंड देन आपका जो नेक्स्ट कोड होगा उसको फॉलो करेगा जी स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़